बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 2 में आज हम शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एल्युमिनियम इज रिप्रेजेंटेड हैज एल्युमिनियम का सैंपल Al 27 and 30। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एल्युमिनियम, राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एल्युमिनियम, तो एटॉमिक नंबर ऑफ एल्युमिनियम इज 13 एटॉमिक नंबर है। के शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एल शेल में 8, एन शेल में 3, एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p1। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन के एंड एल शेल इज सेम आर डिफरेंट, एक्सप्लेन। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन के एंड एल शेल इज डिफरेंट बिकॉज अकॉर्डिंग टू नील बोहर एटॉमिक मॉडल, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। फर्दर द इलेक्ट्रॉन ऑफ एल शेल, देन हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे ये आर डी आता है, दैट द इलेक्ट्रॉन ऑफ के शेल, सो एल शेल इलेक्ट्रॉन विल हैव हायर एनर्जी फ्रॉम के शेल, क्योंकि जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से, उतना ही हमारे पास एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो एल शेल न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर है, डिस्टेंस पे है, इसलिए उसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन आइसोटोप्स। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटोप्स, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम। आल थ्री हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटियम हमारे पास है हाइड्रोजन, तो वो हम उसको क्या बोलते हैं, प्रोटियम बोलते हैं, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन बोलते हैं, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। एटॉमिक नंबर क्या है, 1, मास नंबर 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास क्या होंगे, 1 - 1 = 0। तो प्रोटियम में हमारे पास कोई इसका जो एटॉमिक न्यूट्रॉन होता है वो नहीं होता। ड्यूट्रियम 1 है और इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 1 है, एटॉमिक मास 2, इट हैज़ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज़ प्रोटॉन एंड प्रोटॉन, बट चेंज हमारे पास काम पे आता है डिफरेंट इन न्यूट्रॉन नंबर। एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 2, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 1, इलेक्ट्रॉन इज 1, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो हमारे पास क्या है, 2 - 1 = 1। ट्राइटियम, तो हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 3, नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे पास क्या है, 1 है, सॉरी यहाँ पे गलती से 3 लिखा गया, यहाँ पे 1 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 3 - 1 = 2। तो जो ट्राइटियम है उसमें हमारे पास क्या है, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो जितने भी हाइड्रोजन के हमारे पास आइसोटोप्स हैं, सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, लेकिन चेंज कहाँ पे हमारे पास आ रहा है, न्यूट्रॉन में। तीनों जो हमारे पास स्ट्रक्चर है उसमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो क्या है, डिफरेंट है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एटम, अज्यूमिंग दैट ईच इज़ अ न्यूट्रल एटम, आइडेंटिफाई द एलिमेंट। हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी है, उस बेस पे हमने एटम को आइडेंटिफाई करना है। ए हमारे पास है 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 यानी 4 + 6 = 10 एंड 1 = 11। 11 इलेक्ट्रॉन है, तो 11 इलेक्ट्रॉन हमारे पास सोडियम में होते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर 11 एंड द एलिमेंट इज सोडियम, और सोडियम हमारे पास क्या है, मेटल है। सेकेंड है 2s2, 2p2, 3p6, 3s2, 3p5। इधर हमारे पास टोटल एटॉमिक नंबर कितने हैं, 50। हमारे पास टोटल जो एटॉमिक नंबर है वो हमारे पास है 16। 2 + 2 = 4 + 6 = 10 + 2 = 12 + 5 = 17। तो 17 नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस में होते हैं, क्लोरीन में। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर 17 एंड द एलिमेंट इज क्लोरीन एंड क्लोरीन इज नॉन मेटल। सी हमारे पास है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। तो यहाँ पे जो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है टोटल वो हमारे पास 20 है। 2 + 2 = 4 + 6 = 10 + 2 = 12 + 6
18 और प्लस 2 20। तो 20 जो हमारे पास है वो एलिमेंट है कैल्शियम, और कैल्शियम हमारे पास मेटल है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई एटम इज कंसिडर्ड हैज न्यूट्रल पार्टिकल, गिव रीजन। इन एटम द नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन आर इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन, दे आर इक्वल इन नंबर एंड कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, देयरफॉर एटम हैज अ होल इज न्यूट्रल पार्टिकल। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं लेकिन चार्ज हमारे पास डिफरेंट होते हैं, तो दे कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, दैट्स वाई एटम इज न्यूट्रल। द मास ऑफ एन एटम इज प्रेजेंट इन इट्स न्यूक्लियस, कैन यू एक्सप्लेन इट। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कम्पोज ऑफ प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन आर हैवी सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ द एटम एंड दे ऑक्यूपाइड सेंट्रल पोजिशन इन द एटम, देयर फॉर मोस्ट ऑफ द मास इज प्रेजेंट इन द सेंटर। यानी न्यूक्लियस हमारे पास सेंटर में होता है, सेंटर में हमारे पास प्रोटोन, यानी न्यूक्लियस में प्रोटोन और न्यूट्रॉन होते हैं, दे आर हैवी सब एटॉमिक मासेस। तो जो मास होता है वो न्यूट्रॉन होता है, इसलिए हमारे पास जो मास होता है किसी भी एटम का वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। वट इज़ द रीज़न दैट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द आइसोटोप्स आर डिफरेंट बट देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। आइसोटोप्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर एटॉमिक मास विच शो फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी वो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो जब न्यूट्रॉन नंबर हमारे पास डिफरेंट होते हैं इस वजह से उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज होती है। एंड हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच शो केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आइसोटोप में सेम होते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या शो करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़। देयरफॉर आइसोटोप्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन आइसोटोप्स देन राइट ड्रॉ द नंबर ऑफ प्रोटोन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। कार्बन हैज 3 आइसोटोप्स, कार्बन 12, 13 एंड 14। कार्बन हैज एटॉमिक नंबर 6। कार्बन 12 हमारे पास है एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, प्रोटॉन 6 और न्यूट्रॉन 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। कार्बन 13 हमारे पास एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 13, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमने फाइंड आउट करना है। सॉरी, यहाँ पे नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन है वो ये वाली लाइन नहीं है, इसको काट दें। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है 13 माइनस 6 इज इक्वल टू 7। कार्बन 14 है हमारे पास, तो कार्बन 14 में हमारे पास एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 14, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 और न्यूट्रॉन, यानी न्यूट्रॉन आपने यहाँ पे लिखना है, वो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 14 माइनस 6 इज इक्वल टू 8। तो नंबर ऑफ जो हमारे पास न्यूट्रॉन है वो आए हैं 18। तो ये हमारे पास आइसोटोप है कार्बन के। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कुड कंटेन के एल एम एंड एन एनर्जी लेवल। नंबर ऑफ शेल जो हमारे पास है 1, यानी हमारे पास नंबर ऑफ शेल जब एन इज इक्वल टू 1 होगा तो वो है हमारे पास के फार्मूला 2n2। तो 2 और 1 के हमने एन की वैल्यू डाली है तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे हमारे पास के शेल में। n2 इज इक्वल टू एल, और 2n2 फार्मूले में हमारे पास जब एन की वैल्यू पुट किए हैं 2, तो हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन आए हैं के शेल, सॉरी एल शेल में। एम शेल में हमारे पास 2n2 है फार्मूला, 3 एन की वैल्यू पुट की है तो हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन आए हैं एम शेल में। और एन शेल में हमारे पास सेम 2n2 फार्मूले से 32 इलेक्ट्रॉन आए हैं। तो ये हमारे पास क्या है, के एल एम एन एनर्जी लेवल। राइट डिटेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर लिथियम कार्बन एंड मैग्नीशियम। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिथियम के हमारे पास है, एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम इज 3। तो के शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन और एल में 1 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s1। पीरियड हमारे पास शो कर रहा है 2nd और ग्रुप हमारे पास 1a। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p2। पीरियड हमारे पास ये 2nd शो कर रहे हैं और ग्रुप हमारे पास 4। मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज 12,
के शैल बी टू, एल शैल बी एट और एम शैल बी टू इलेक्ट्रोड आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वन एस टू, टू एस टू, टू पी सिक्स, थ्री एस टू। पीरियड थ्री हमारे पास थर्ड पीरियड है और ग्रुप हमारे पास क्या है, टू है। तो ये हमारे पास क्या है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने पीरियड और ग्रुप नंबर बताया है। टाइप द सैंपल फॉर एन आइसोटोप्स। ए हमारे पास है कंटेनिंग वन प्रोटोन एंड टू न्यूट्रॉन। तो हमारे पास वन प्रोटोन और टू न्यूट्रॉन किस में होते हैं, ट्राइटियम में। और उसका सैंपल क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन और उसका एटॉमिक मास थ्री है। तो और उसका सैंपल हम उसको टी से भी शो करते हैं। फॉर विच द एटॉमिक नंबर इज वन एंड देयर इज वन न्यूट्रॉन। ड्यूट्रियम है उसमें हमारे पास वन एटॉमिक नंबर होता है और उसमें न्यूट्रॉन वन होते हैं, सैंपल डी है। और सी हमारे पास है फॉर विच द एटॉमिक नंबर इज वन एंड द मास नंबर इज आल्सो वन। तो ये हमारे पास प्रोटियम है और प्रोटियम को हम एच सैंपल से शो करते हैं और ये हमने उसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास शो किया है। थैंक यू।